रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دائما اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم نیٹ ورک کا حصہ ہیں جنہوں نے ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا حکومتوں کے مقابل میں کہ ایک ایسا زمانہ جس میں سروں کی قیمت رکھی جاتی تھی کہ اگر یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اسے مار دیا جائے۔ میں نے کل مولا کے ایک صحابی کی مثال دی معلہ بن خنیس، اصحاب سر تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جس کو اصحاب سر اسے بولتے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل بیت اپنی امامت کے پاور کا اظہار کرتے تھے وہ اصحاب سر ہوتے تھے۔
कि जब कहा कि मौला इतने अरसा गुजर गया मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, तो इमाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान खुद को पाया। जब बच्चों से मिल लिया तो फिर इमाम ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, वो वापस खुद को मदीने में इसने पाया। लेकिन मासूम इसकी शहादत के बाद फरमाते हैं कि हमारा बेहतरीन सहाबी था, लेकिन इसकी एक कमजोरी थी। ये कमजोरी फरमाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जमाने में अहले बैत रहते थे उस जमाने में ये कमजोरी शियान अहले बैत को नुकसान दे सकती थी। मौला कौन सी कमजोरी फरमाई है? हमारे असरार को, अहादीस को जो इसके सीने में था वो कभी कभी लोगों के सामने जाहिर करता था, और कहा कि उसी अमल की वजह से ये मकाम शहादत पर पहुंचा। कि इसकी शहादत के बाद जो दूसरा इमाम ने अपना नुमाइंदा बनाया, शेख मुफीद कहते हैं कि वो 40 साल तक, यानी ता जमाने इमाम मूसा काजिम और इमाम के बाद इमाम रजा के जमाने तक भी वो इमाम का वकील रहा। तो शियों के लिए एक रेड अलार्म था कि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे एक ऐसे जमाने में तो वहां पे कत्ल किए जा सकते हो। तो इमाम ने फरमाया हम जो दुश्मन की जंग को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा चाहने वाला अगर राज को फाश करेगा तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब एक आदमी का काम यही है कि वो इमाम के जमाने में लोगों से वजूहात को जमा करता है। कोई ईरान से आके पैसे दे रहा है, कोई अहवाज से आके पैसे दे रहा है, मुख्तलिफ इराक से आके कोई पैसे दे रहा है। अब जो लोग पैसे दे रहे हैं लिहाजा उनके नाम भी लिखे होते थे कि इस मोमिन ने कितना दिया, ताकि अगले साल फिर उससे उतनी कलेक्शन होती थी। लेकिन जब इनको पकड़ा गया हुकूमत के सिपाहियों ने, और पकड़ा भी तब जब इमाम शिशुम हज के लिए गए थे और इतना टॉर्चर किया, लेकिन इन्होंने किसी भी शख्स का उनको नाम नहीं बताया। तो इमाम फरमाते इसकी मदह और तारीफ है, यह मकाम शहादत पर नाइल हुआ, लेकिन क्या करता था, यह चार दुश्मनों के अंदर हो जाता था। और दुश्मन अगर अमीरुल मोमिनीन को कुछ कहते थे या हमें कुछ कहते थे तो यह हमें दिफा में खड़ा हो जाता था और चार फजाइल की आयतें पढ़ता था, उससे जाहिर हो जाता था ये किसका चाहने वाला है, हमारा चाहने वाला है। लेकिन कई ऐसे थे जिनका पता भी नहीं लगता था मासूम के चाहने वाले हैं, लेकिन अंदर से मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए काम करते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब चंद नाम आपके सामने आज लूंगा, उसके बाद फिर मासूम के एक फरमान उसकी तफसील में जाना चाहूंगा। कि अजीब है कि तकरीबन 18 से 20 मासूम ने वकील रखे, और 18 से 20 वकीलों का जो काम था वो एक था। कि आप एक को वकील बनाते हो, कोई इंजीनियर हो, किसी को वकील बनाते हो, मसलन कोई दुकान में कपड़ा बेचता हो, लेकिन 19 के 19 इमाम के जो ये वकील थे या असहाब थे, सबका जो बिजनेस था वो एक था। मसलन पहला जनाब मुअल्ला खुनैस जो शहीद हो गए, अब्दुलरहमान ये भी सर्राफ का, सर्राफ मतलब इनका मार्केट में एक्सचेंज की दुकान थी, यानी सारा काम पैसे की लेन देन इनकी होती थी। नसर इब्ने कामूस जो इसके बाद बने, उनका काम भी क्या था, एक्सचेंज का काम था। इस्माइल इब्न इमरान, इनका काम भी एक्सचेंज का। जाफर इब्न हय्यान, इनका काम भी सर्राफ का। यूनुस इब्न अम्मार, इनका काम भी एक्सचेंज का काम था। खारिजा इब्न मोहम्मद, इनका काम भी एक्सचेंज का। अब्दुलरहमान सुलेमान, इनका काम भी एक्सचेंज का। हसन इब्न अली, इनका काम भी एक्सचेंज का। अली इब्न हकम, जनाब जुबैर, मोहम्मद इब्न अली, मूसा ताक, इनका काम भी क्या था, एक्सचेंज का। मतलब जितने पैसे आते थे इनके पास और इमाम ने उनको वकील बनाया था, जो काम ही किसका करते थे, एक्सचेंज का करते थे। मतलब दुश्मन का जर्रा बराबर भी इनके ऊपर शक नहीं जाता था, क्योंकि जो बंदा काम ही दिरहम और सिक्के का करता है, और बाज इमाम के साथ इतने मशहूर थे कि जैसे ये मौला के साहबी हैं मोमिन ताक, यानी ये हेड ऑफ द एक्सचेंज थे, एक्सचेंज की जो मार्केट थी उनके हेड थे। ये बड़ी आसानी से पहचान लेते थे ये सिक्का झूठा है, ये सिक्का असली है। तो जितना पैसा मासूमीन के पास आता था उन्होंने एक्सचेंज वालों को दे दिया था। अब दुश्मन अगर अटैक भी करता तो क्या बोलते, भाई पैसा किसका है, एक्सचेंज का है, इल्जाम मासूम की तरफ नहीं जाता था। और वहां से पैसे की गर्दिश होती थी और ये पूरा तशय्यो का नेटवर्क उस तरीके से चलता था। यानी उस जमाने में
मासूम ने एक तरह से इस्लामिक बैंकिंग बनाई हुई थी। किसी ने 100 दिरहम दिए, किसी ने 200 दिरहम दिए, किसी ने 400 दिरहम दिए, उनको जमा करते थे। फिर इन्हीं लोगों को मासूम तिजारत की इजाजत भी देते थे कि मसलन पहले वाले ने कपड़े की दुकान खोली, उसकी आमदनी से शियों को मदद करते थे। अजीब है, कहते हैं सातवें इमाम के जमाने में, हारून का जमाना, कि हुकूमत गरीबों की मदद करती थी और वक्त के हाकिम के पास अगर कोई गरीब जाता था। अब ये वो जमाना है कि अरब कम हो गए, अजम ज्यादा हो गए। इतने इन्होंने मुल्क फतह किए कि बार्सिलोना तक इस्लाम फैल चुका, चीन के बॉर्डर तक इस्लाम फैल चुका। अरब की तादाद कम हो गई, अजम की तादाद ज्यादा हो गई, लिहाजा ये आते थे मदद के लिए, तो वक्त का हाकिम इनको सब्सिडी देता था, मदद करता था। इमाम मूसा काजम के जमाने में हाकिम जब मदद करता था तो 15 दिरहम देता था, और यही लोग सातवें इमाम के पास जाते थे तो इमाम 150 दिरहम इनकी मदद करते थे। क्या आज अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 650 ग्राम सोना बनता है। यानी मौला ये नहीं कि उनको चवन्निया दे मदद करें, नहीं, इतने पैसे देते थे, उस पैसे से वो अपना रोजगार भी चलाएं, अपना बिजनेस भी चलाएं। जब ये मासूम एक राज बता रहे हैं कि अगर मुआशरे में अपने तशय्यो के नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले मुआशरे की गुरबत को मिटाओ। एक इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं, आप कहते हो रोजा रखो, वो अपने रात के खाने के लिए परेशान है, मैं उसे नमाज का दर्स दूं, मैं उसे दीन का दर्स दूं, मैं उसे हिजाब का दर्स दूं। फरमाया दीन तब तक नहीं फैला सकते जब माशरे की इकोनॉमी को क्या करो, मजबूत करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन से मुआशरे मजबूत होते हैं? मासूमीन ने एक मजबूत तरीन सिफत रखी अपने असहाब में, ये बरमला हुकूमत अगर कोई गलती करती थी हुक्मरानों को टोकते थे। जैसे हम आज अपनी सियासत में बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, अपने असहाब के जरिए से आपके छठे इमाम ने प्रेशर ग्रुप बनाया, या हाकिम गलती करता था और जिसने कत्ल किया इमाम के सहाबी को, इतना प्रेशर था आपके छठे इमाम का कि हाकिम को उसको किसास करना पड़ा। इतना प्रेशर था आले रसूल का कि मामून को, इमाम रजा को अपना वली अहद बनाना पड़ा। इस कदर उम्मत में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपना प्रेशर बनाया था। अब एक तरफ वो नजरिया जो कहे कि हुक्मरानों को अमर बिल मारूफ करने की जरूरत नहीं है, एक नजरिया अहले बैत अलैहिस्सलाम का, आप बगैर अमर बिल मारूफ, यानी जब तक यही पाकिस्तान है, अगर बुराई के खिलाफ आप एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनाओगे, एक हाकिम अगर उम्मत से नहीं डरेगा कि कल मैंने फिस्क को फजूर किया, ये लोग मेरे खिलाफ उठेंगे और आवाज बुलंद करेंगे, कल इस मुल्क में मैंने बेहयाई को आम किया, ये प्रेशर ग्रुप होता है ना। हाकिम अल्लाह से डरे ना डरे, क्योंकि उसने हुकूमत में रहना है, तो उसको किसका खौफ होना चाहिए? कम से कम आवाम का खौफ होना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको इमाम हुसैन का जमाना समझ में आ जाए। मसलन अगर आज आपका, शायद कल मिसाल दी कि नहीं, आज आपको पता चले कि मसलन किसी हुक्मरान ने 4 अरब रुपए चोरी किए, तो आप लोगों को ताज्जुब होगा या एक नॉर्मल न्यूज है आप लोगों के लिए, भाई फला हुक्मरान 4 अरब लेके भाग गया, तो शायद हमारा रिप्लाई है जनाब ये तो छोटा चोर है, हमने तो 10 अरब भी सुने। आप सुनो कि मसलन कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ और 40 लोग उस बम ब्लास्ट में मर गए, क्या ये शॉकिंग न्यूज है आपके लिए या एक नॉर्मल न्यूज है आपके लिए कि मोटरवे पे मसलन किसी खातून का रेप हो गया, क्या ये शॉकिंग न्यूज है आपके लिए कि एक मुसलमान मुल्क में रेप हो जाता है, एक मुसलमान हाकिम इतना पैसा लूट के जाता है, कोई अफसर रिटायरमेंट के बाद इतने जजीरे खरीद लेता है, क्या ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज है? नहीं, ये फासिक मुआशरे की निशानी है कि जिस मुआशरे में गुनाह आम हो जाए, मतलब मेंटली लोग एक चीज को एक्सेप्ट कर लें कि 4 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं, 5 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी कौमें खुददार होती हैं, कौन सी कौमें इज्जत वाली होती हैं कि मौलाना पाकिस्तानी पासपोर्ट की कैसे इज्जत होगी जब हाकिम खुददार नहीं, जब कौमें नेशनलिस्ट ना हो। एक कौम कब नेशनलिस्ट बनती है? जो अपने कल्चर को बचाती है, जो अपनी तहजीब को बचाती है, जिसे हम कहते हैं सिविलाइज्ड कौम है। लेकिन जो मेंटली वेस्टर्नाइज हो, जो मेंटली गुलाम हो, क्या आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी आदत थी, वो जहां भी जाता था अपना लिबास पहन के जाता था, ये खुददार कौमों की निशानी है।
कि जो अपने कल्चर को अपने लिबास को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। आप शख्सियात को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को पहचान सकते हो अगर उनकी सोच को पहचानना चाहते हो, तो मासूम फरमाते इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। उसका लिबास बताएगा कि ये किसको फॉलो करता है। और फरमाया कि हमारे अदुव का कभी लिबास ना पहना करो, जो चीज दुश्मन की पहचान है वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। कि हमारे हाजिर वजीर आजम ने, जब निगरान दौर में वजीर आजम थे और आज वजीर आजम है, इन्होंने एक ही शलवार कमीज सिलवाया है, वो भी नीले रंग का, मैंने सिर्फ वही देखा है। वो भी बहालत है, मजबूरी, कभी कभी बेचारे पहन लेते हैं, वरना ज्यादातर लगाव किसके साथ है, वो उसी शलवार, क्योंकि कौम का जो वजीर आजम होता है वो कौमों का फेस होता है। आप इंडिया को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, जहां जाता है वो अपने लिबास पहन के जाता है। लिबास जब मतलब ये खुददार कौम है, मतलब ये अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली कौम है। क्यों फरमाया अन्नास अला दीन मुलूकहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं, अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। वजीर, वजरा, हुक्मरान वो कौमों का फेस होते हैं। अब यजीद बना हाकिम, द फेस ऑफ द नेशन, इस्लामी ममालिक का फेस है। जब कौमें छोटे गुनाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हुक्मरान बड़ा गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने एक अरब की चोरी को अगर एक्सेप्ट कर लिया, कल चार अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे, परसों आठ अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब पहला जुल्म मदीने में हुआ तो मदीने वाले खामोश रहे, फिर दूसरा जुल्म हुआ, असहाबे रसूल कत्ल हुए, खामोश रहे, फिर तीसरा जुल्म हुआ, नवासे रसूल के बदन पे तीर लगाए गए, इमाम हसन, माशरा खामोश रहा, फिर जंग में मौला हसन के कदमों से मुसल्ला खींचा गया, माशरा खामोश रहा, तब जाके कर्बला आती है। कर्बला एक नॉर्मल वाकया नहीं है शियों के लिए, स्टडी करना चाहिए भाई, क्यों हुआ वाकया कर्बला, असबाब कौन से थे, आलात कौन से थे। फसाद एक दिन में नहीं होता, किसी मुल्क में इंकलाब एक दिन में नहीं होता कि लोग समझे खुमैनी साहब ने बस निकले और कौम निकली और ईरान में इंकलाब आ गया, नहीं मेरे अजीज। शहीद सफवी, शहीद मदनी, शहीद मेहराब, दस्तगैब जैसे लोग, ये मेहनतें थी हमारे शिराजी बुजुर्ग, कौमों की मेंटली तरबियत की जाके कौम तैयार हुई। पहले इस पे आमादा करो कि लोग गलत को गलत बोले, लोग सही को सही बोले। जिस कौम के अंदर ये चीज मिक्स हो जाए कि उनको सही गलत लगने लगे या सिर्फ खामोश हो जाए, कि ज़ियारत आशूरा मौला समेत बिज़ालिक फ़रज़ियत बे, जो कत्ले हुसैन में शामिल नहीं थे लेकिन सुना के इमाम हुसैन शहीद हो गए और खामोश रहे, मौला फरमाते उस पर भी अल्लाह की क्या है, लानत है, जो जुल्म सुने और जुल्म के ऊपर क्या रहे, खामोश रहे। उस जमाने में भी थिंक टैंक थे जो पॉलिसीज बनाते थे, आज भी आपके यहां पॉलिसीज बनती है। वो मुल्क खुददार होता है जो अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को बढ़ाता है। हमारे कोर्टों से एक फैसला आता है कि भाई आज के बाद जितने फैसले होंगे वो उर्दू में होंगे, लेकिन जो ये फैसला दिया वो इंग्लिश में। जिनकी जबानें, जिनकी अपनी लैंग्वेज, जिनका अपना अल्फाबेट खत्म हो जाए, कि मतलब हम इतनी तरक्की कर जाएं लेकिन हम अपने अल्फाबेट में नहीं लिख सकते, जहां पे खुदखाही मनियत इतनी बढ़ जाए कि मुझे उर्दू नहीं बोलना आती लिहाजा मैं हलफनामा भी लूंगा तो किस में लूंगा, इंग्लिश में लूंगा, यानी अपनी आसानी के लिए पूरी कौम का क्या करूं, सत्यानाश कर दूं। जब कौमें मेंटली गुलाम हो जाती हैं, मुआशरे इमाम हुसैन मेंटली गुलाम था, जिस मुआशरे में गलत को गलत बोलने की तवानाई नहीं थी, वो कभी गलत को गलत नहीं बोल सकते थे। अब इमाम ने फरमाया ये मुआशरा मुर्दा है, अब इस मुआशरे में अगर कोई बंदा नेकी को बुलंद करता है यह जिहाद कर रहा है। कि मैंने मिसाल दी आपके कराची के किसी एमएनए साहब की, कि जिन्होंने जीती हुई सीट अपनी क्या कर दी, छोड़ दी, एक तरह का जिहाद है। कि आप एक मुआशरे में अच्छे मैनर्स, आप एक मुआशरे में अच्छी रविश, आप अपने मुआशरे में ईमानदारी का एक अच्छा रोल मॉडल क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ऐसे अफराद की अहले बैत ने अपने जमाने में क्या की है, तारीफ की है, जो जुल्म के खिलाफ क्या करते थे, आवाज को बुलंद करते थे, जो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाते थे। फरमाया ये माशरे की नब्ज को चेक किया करो, अगर इन्हें आदत हो गई झूठ बोलने की। अब मौलाना हम इसी माशरे में रहते हैं, हम क्या करें भाई, आप अपने घर के अंदर ये सलाह करो कि बच्चा अगर छोटी गलती कर रहा है उसे वहीं पे टोको,
ये न कहो कि मौलाना ये बच्चा है इसने गलती की तो क्या हुआ, नहीं, आज ये छोटी गलती करेगा कल ये बड़ी गलती करेगा। कोई खातून ये न बोले कि मौलाना अगर मेरे चार बाल नजर आ गए तो कौन सी कयामत आ जाती है। नहीं मेरे अजीज, शैतान कम से शुरू करता है और ज्यादा तक इंसान को ले जाके गुमराह करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक अच्छी साइन है कि मसलन आपके माशरे में किसी हुक्मरान को ये गुनाह नॉर्मलाइज कैसे होता है। मसलन बता रहा हूं, आपके यहां कोई ड्रामा दिखाया जाएगा, ड्रामे में दिखाया जाएगा कोई एक्टर शराब पी रहा है, नीचे एक सबटाइटल आएगा कि शराब पीना हराम है, बच्चे ये सीन ना देखें, बच्चों के लिए मना है। भाई फिर दिखा क्यों रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ी है एक ड्रामे में शराब पीना दिखा, और ये नीचे लिखो कि बच्चे ना देखें। जैसे अंग्रेज फिल्म बनाते हैं ना, लिखते हैं ये एडल्ट्स के लिए हैं, अंडर 18 ना देखें, अंडर 13 ना देखें। अब सबसे पहले जब आप ये पढ़ते हो अंडर 18 ना देखें, आप पहले उसी को खोलते हो। फितरत इंसान है, जिससे इंसान को रोकोगे इंसान उसी चीज के अंदर क्या होना चाहता है, दाखिल होना। इसे कहते हैं गुनाह को नॉर्मलाइज करना कि इतना दिखाओ इतना दिखाओ आपके लिए नॉर्मल हो जाए। बद हिजाबी को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा कि आपके यहां लक्स अवार्ड होता है, इस पूरे अवार्ड को मैनेज कौन करता है? वेस्टर्न माइंडसेट। भाई पाकिस्तान में एक अवार्ड हो रहा है तो आप पाकिस्तानी लिबास पहनाओ ना, आप अपने कल्चर को प्रमोट करो ना। हमारे घरों में खवातीन वो कपड़े नहीं पहनती जो कपड़े वहां की एक्ट्रेसेस को पहना के लाया जाता है, ताकि मुआशरे में बेहयाई को क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि आपकी आंखों को आदत हो जाए गुनाह को देखने की। जब आंखें आदी हो गई तो फिर आपके घर में अगर कोई ऐसा वाकया होगा, आंखों को आदत होगी, आप उस कदर गैरत का मुजाहरा नहीं करोगे जितना पहले करते थे। तभी फरमे आंखों को गुनाहों से बचाओ, कानों को गुनाहों से बचाओ। क्यों फरमे? अन्नासु अला दीन मुलूक, ये हुक्मरान है जो लोगों का दीन बनाते हैं, ये यजीद है जो लोगों को कातिल इमाम हुसैन बना रहा है, ये यजीद है जो लोगों को दुश्मन इमाम हुसैन बना रहा है। हाकिम को अगर खौफ नहीं होगा अवाम से कि भाई कल लोग मुझे टोकेंगे, आज बिजली चली जाए लोग निकलते हैं, लेकिन आपने देखा कभी कोई अपने दीन के लिए निकले, कभी कोई अपने ईमान के लिए निकले? आज सिर्फ फिक्र यह है कि मौलाना बच्चे ने फला स्कूल में जाना है, वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, बच्चा ए लेवल कर रहा है, बच्चा ओ लेवल कर रहा है, लेकिन वो मासूम का फरामीन, ये नेटवर्क को अहलुल बैत अलैहिस्सलाम कि अपने बच्चों को गलत महफिलों में न भेजा करो। फरमाया गलत दोस्त इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ये कभी ये क्वेश्चन मुझसे यूरोप में बाज वालदेन करते थे कि मौलाना बेटी 14 साल की हो गई, हिजाब छोड़ दिया बेटी ने, ठीक है वहां का बाप तो मजबूर है, ना बीवी पर कंट्रोल है ना बच्चों पर कंट्रोल है। लेकिन हैरत हुई, इस साल मुझे पाकिस्तान से किसी पोश इलाके से फोन आया कि मौलाना बेटी ने एलेवल कर लिया, अब मुझसे बहस कर रही है कि बाबा मैं हिजाब नहीं करना चाहता, और वो भी इतने मॉडर्न माइंडेड। मौलाना मैं क्या पूछ रहे हैं, मौलाना मैं क्या करूं, मैं दलीलें दूं उसे, मैं कैसे उसको मुतमैन करूं? यानी पूरी अन्नासो अभी तो दुनिया उसे फरमाते हैं, ये खतरनाक जुमला है कि लोग दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। फिक्र ये तो है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छी इंग्लिश बोले, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि जिस स्कूल में जा रहा है उस टीचर का लिबास कैसा है। जिन दोस्तों की बर्थडे की पार्टी में मेरी बेटी जा रही है उसकी दोस्तें कैसी हैं? मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि सुबह से शाम तक मैंने कमाना है, बच्चों को स्कूल के हवाले कर दिया। आज सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को ये स्कूल खराब कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा नौजवानों को ये मीडिया खराब कर रहा है, टीवी खराब कर रहा है। कि एक मुत्तकी परहेजगार मोमिन बेटा पता चला कोई सिंगिंग में पता नहीं किस फील्ड में चल रहा है, तो क्या मौलाना यकीन नहीं आता ये इनके बेटे हैं? मैंने कहा जरा उनकी वालदा की रिपोर्ट मुझे ला कर दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बाद में पता चला इसकी खराबी में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का था। अब जाहिर है एक बच्चे को एक्टिंग का शौक है, इस्लाम एक्टिंग से मना नहीं करता, सही एक्टिंग करवाओ ना। हमारे अंदर ये शोभा भी होना चाहिए। आज आपके पंजाब में, जुनूबी पंजाब में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो फेसबुक पर
छोटी छोटी कहानियां बना के, यानी चार पांच दोस्त मिलते हैं कहानी बनाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 27 साल की एज में करोड़पति बन गए। तो ये मेरे बच्चे को शऊर क्यों नहीं? इस्लाम में एक्टिंग बना नहीं, अच्छे ड्रामे बनाओ, अच्छी कहानियां बनाओ, पॉजिटिव मैसेज दो। एक तरफ निजाम शैतान वो ड्रामे बना रहा है जिसमें हर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि बीवी शोहर के साथ खयानत कर रही है, हर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि शादीशुदा औरत एक नामहरम से दोस्ती कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हर ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि मर्द इतना शरीफ है कि कहता ठीक है अगर आपका कोई मसला नहीं है तो आप चले जाइए। ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को इसी तरह बिगाड़ा जाता है कि आज से 20 साल पहले जो आप बर्दाश्त नहीं करते थे आज आपके बच्चे बर्दाश्त करते हैं। ये मुआशरे में फिस्क फुजूर उसी तरह बैठता है। अब जिस तरह बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैलती है इसी तरह अच्छाई भी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। एक अनपढ़ बच्चा पंजाब में व्लॉग बना के करोड़पति बन सकता है अगर आपके बच्चे को शौक है इस फील्ड में आने का। आप उसे पॉजिटिव रास्ता दिखाओ, उसे सही पाथ बताओ, जिस रास्ते पर चले उसकी दुनिया भी बने उसकी आखिरत भी बने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी नस्लों ने जनाब मुख्तार को पहचाना फिल्म इंडस्ट्री से, हमारे बच्चों ने अमीरुल मोमिनीन की फिल्म देखी तो पता चला वलीद कौन था, फला कौन था, फला कौन था। इमाम रजा की हिस्ट्री का पता चला फिल्म से, जनाब यूसुफ की जिंदगी का पता चला फिल्म से। क्योंकि इंसान को तस्वीरें याद रह जाती हैं और दुश्मन ने इसको हाईजेक किया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुश्मन के पास है। आज फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मोबाइल आपके पास हो, एक माइक आपके पास हो, आप व्यूअरशिप भी ले सकते हो, दुनिया भी बना सकते हो, अपनी आखिर भी बना सकते हो, लेकिन इंसान के अंदर वो जिद्दियत होनी चाहिए। मासूमीन किस जमाने में किस तरह काम करना है यह मासूमीन अलैहिस्सलाम को पता होता था। कई ऐसे मासूमीन का साथ जिनको ड्यूटी दी आपका काम है मुनाजरा करना, किसी को कहा तुम्हारा काम है फिकी मसाइल को हल करना, किसी को कहा यहां से चले जाओ अहवाज में जाके क्या करो तबलीग करो। यही इमाम रजा, कितना अच्छा सिनेरियो बनाया इमाम रजा ने कि डॉक्टर शरीयते कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का होना ही बाज लोगों के लिए मुश्किल का बाइस था, क्योंकि अहले बैत इतने अच्छे थे तो लोग हाकिमों को कंपेयर करते थे अहले बैत से कि अगर अली इतना आदिल है आप आदिल क्यों नहीं हो, अगर अली के पास इतना इल्म है तो आपके पास का, इनका वजूद इनके लिए खतरे का बाइस बना हुआ था। जिस तरह आज शियत का वजूद बाज लोगों के लिए खतरे का बाइस बना हुआ है कि भाई इन्होंने हमें तंग करके रखा, सारे मुसलमान चुप हैं लुम्दानी चुप नहीं होते, सारी उम्मत खामोश है इसराइल के मामले में ईरान बार बार क्यों बोलता है, सारी उम्मत खामोश है ये यमन वाले खामोश क्यों नहीं होते। यानी एक तरफ सुकूत कामिल और एक तरफ बसीरत कामिल, तो आपका वजूद उनको खटक रहा है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन का वजूद खटकता था, लोग कंपेयर करते थे, सातवें इमाम के जमाने वजूद खटकता था, यहां तक कि उनको फौजी छावनियों तक महदूद कर दिया ताकि लोगों की इनकी मुलाकात न हो, यहां तक कि मासूम को कहा मस्जिद में भी नहीं जा सकते क्योंकि लोग आपकी नमाज देखते हैं फिर हमें कहते हैं आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो मुआशरे में किसी अच्छे गुरु का होना, किसी अच्छे लोगों का होना वो मुलजम करता है उन बदकारों को कि लोग बोले कि जब ये अच्छा हो सकता है तो आप अच्छे क्यों नहीं हो सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये नहीं कि मासूमी ने सिर्फ अपने जमाने में, बाज़ औक़ात तय्यल अर्ज करके अपने शियों की मदद करते थे कि ये उलझने जब पैदा हुई, मराजे के हवाले से मैंने एक किस्सा जिक्र किया, शेख अब्बास कुम्मी अपनी मफातीह जनान में लिखते हैं कि एक इस्फहान का ताजर, देखिए मासूम ताईद किस तरह फरमाते हैं कि आज अगर मैं इस नेटवर्क को मजबूत करना चाहता हूं माली मदद के जरिए खुम्स देके, तो मुझे शक है कि पता नहीं ये इमाम जमाना तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, कि अल्लाह कहता है ना तुम जो बकरे जबा करते हो उसका गोश मुझ तक नहीं पहुंचता लेकिन तुम्हारी नीयत मुझ तक पहुंच जाती है। तो ये इस्फहान का ताजर कहता है कि हमें अपना खुम्स लेके नजफ गया, तो नजफ में कुछ मराजे थे मैंने उनको दिया, एक को मैंने मसलन 1,00,000 रुपया लेगा, एक को मैंने 30,000 दिया। बसरा गया वहां पे एक और मर्जा था मैंने उसे 30,000 और दे दिए। काजमेन गया वहां पे एक और मर्जा थे मैंने 40,000 उनको दे दिए। काजमेन गया मैंने ज्यारत की इमाम मुसा काजिम की, फिर सामिरा गया मैंने ज्यारत की इमामैन हुमामैन की। कहता अब जब वापसी पे पलट रहा था शब जुमा थी
तो वापसी के रास्ते पे मेरी मुलाकात एक सैयद बुजुर्गवार से हुई, बड़ा नूरानी चेहरा, सैयद वाला लिबास। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि फलानी कहां जा रहे हो। तो मैंने कहा मैंने ज्यारत कर ली, अब लंबा सफर है, मैंने वापस ईरान जाना है। तो कहा देखो आज शबे जुमा है और शबे जुमा मेरे जद की ज्यारत करने का बहुत बड़ा सवाब है। अब ये क्या समझ रहा है कोई सैयद है, तो ये सवाब मत गवाओ, ज्यारत करो फिर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सैयद बुजुर्ग, अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ, आप भी जा रहे हैं, हमें भी जा रहा हूं हरम, शबे जुमा है मेरे जद की ज्यारत करो। कहते हैं हमके साथ चलने लगे। कहते हैं रास्ते में एक जमीन का प्लॉट था, वो किसी सैयद का था, वक्त के हाकिम ने उस प्लॉट पे रोड बनाया, कब्जा करके किसी सैयद के घर पे रोड बना दिया। हमारे मराजे का फतवा था कि क्योंकि ये मकान गसबी है तो शिया इस जमीन से ना गुजरे क्योंकि गसब हो चुका है। तो जैसे वो प्लॉट आया तो मैंने उस प्लॉट से दूरी इख्तियार की। तो इन्होंने कहा कि दूर क्यों जा रहे हो, मैंने कहा महाराजे का फतवा है यहां से नहीं गुजरना। का फतवा सही है लेकिन क्योंकि ये हमारा ही प्लॉट है लिहाजा हम तुझे इजाजत देते हैं कि यहां से गुजरो। कहते अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई। पहुंचे हरम में, मुझे कहा कौन सी ज्यारतें पढ़ते हो, मैंने कहा मौला ये पढ़ता हूं सैयद, ये पढ़ता हूं वो पढ़ता हूं। उन्होंने कहा ज्यारत अमीनुल्लाह पढ़ो, इस ज्यारत की बड़ी फजीलत है। तो कहा मैं पढ़ता हूं मेरे साथ पढ़ो। कहते मैंने ज्यारत अमीनुल्लाह पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब सलाम देते हैं ना बारह इमामों को, मेरा सलाम हो अली पर, मेरा सलाम हो हसन पर, मेरा सलाम हो हुसैन पर, कहते जब बारहवें पर वो आते थे तो ये नहीं कहते थे मेरा सलाम हो महदी पर, कहते थे मेरा सलाम हो मुझ पर। अब भी मैंने समझा। फिर कहा कि ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ी है, मैंने कहा जी, कहा इसकी बहुत फजीलत है, इसमें फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर उन्होंने ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ ज़ियारत जामिया को भी पढ़ी, और फिर जब सलाम की बारी आती थी ये खुद पे सलाम करते थे। फिर अब भी समझ में नहीं आया। नमाज पढ़ी हमने, नमाज पढ़ने के बाद जब वापसी पे चले, अब मुझे मुझसे पूछने लगे इस्फहान से आए हो, मैंने कहा जी इस्फहान में फला आलिम है, मुबल्लिग है, उन्हें जाकर हमारा सलाम देना। फला काम करते हो, कहा जी अल्लाह तुम्हारे रिज्क में क्या अता करे बरकत अता करे। कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुम्स अदा किया और आपने जिन जिन को दिया आपकी अमानत हम तक पहुंच गई। और कहा ये थोड़ा सा जो तुम्हारे पास बाकी है बसरे जाना, फला आलिम है उसे देकर आना। अब कहता है मैं रास्ते में चल ही रहा हूं। अब कहते हैं ना जिन जिन की भी इमाम से मुलाकात थी उस वक्त जहन को इजाजत नहीं होती थी सोचने की कि सोचे सामने कौन है। कहते अब जब मैं सोचने लगा वाकई ये कौन है, मेरा नाम कैसे पता, मैं किस शहर से हूं, उस शहर में कौन सा आलिम है, मैंने किन किन को खुम्स दिया है कैसे पता। कहते यहां मैंने सर उठाया तो मेरी निगाहों के सामने से इमाम जमाना ओझल हो चुके थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये अस्हाब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके अकीदों को तबलीग के जरिए से अहले बैत ने इतना मजबूत किया कि सनाब सईद इब्ने जुबैर का वाकया आप सबने सुना होगा कि हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनका गला काट दिया लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई क्योंकि इसका अकीदा क्या था, मजबूत था। आज एक जवान जब तंगदस हो जाता है क्या हमारे इमाम जमाना पर अकीदा इतना मजबूत है? क्या हम जब बेराह रवि पे जाते हैं अल्लाह पे इतना भरोसा मजबूत है? ईरान का एक ड्राइवर जो कहता है मैं ट्रक चलाता था, पहले जमाने में मशहद में बर्फबारी बहुत शदीद होती थी, कह रहे मशहद से ट्रक चला के मैं तेहरान की तरफ जाना चाहता था तो शदीद रास्ते में बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी कि जो गाड़ी के वाइपर थे वो भी काम करना तकरीबन छोड़ गए। मैंने अपने ट्रक को साइड पे लगाया और मैंने सोचा कि जब बर्फ थम जाएगी उसके बाद मैं रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहता नहीं बर्फ थमने वाली नहीं थी और ज्यादा बर्फबारी शदीद हो गई। यहां तक कि मैंने नोट किया कि रास्ते पर जितनी गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों ने भी आना छोड़ दिया। अब बीच सहरा में मशहद और तेहरान का सफर बहुत लंबा है और 80% ये रास्ता सहराई रास्ता है।
कहते मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी नहीं होगा, बर्फबारी थम जाएगी। मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया कहीं ऐसा ना हो कि इंजन ठंडा पड़ जाए फिर इंजन स्टार्ट ना हो। लेकिन चंद मिनट के बाद मैंने देखा कि इंजन ने आवाजें करना शुरू कर दी, जैसे इंजन भारी हो गया है। एक बार भारी हुआ, दो बार भारी हुआ, फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे सारा मैकेनिक का काम आता था। मैंने कहा बंद भी हो गया तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन कहता तीन चार मरतबा इसने आवाज किया और चौथी मरतबा इंजन बंद हो गया। कह रहा अब परेशानी शुरू हो गई, खौफ शुरू हो गया कि क्या होगा मेरा। मैं जल्दी से उतरा, पाना उठाया और जहां जहां तक हो सकता था मैंने इंजन को देखा। इंजन भी सही सालिम था, हर चीज मैंने चेक की। गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इतने में कहता है मैं गाड़ी के कमरे में आके बैठ गया। बस ये था कि अंदर बर्फ नहीं आ रही थी लेकिन सर्दी वही थी जो बाहर वाली सर्दी थी। अब कहता है मौत की याद आने लगी मुझे। मैंने कहा ड्राइवर अब तो तू मर गया, इतनी सर्दी, सामने से कोई गाड़ी नहीं, इंजन भी बंद हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही है। मैं समझ रहा था कि यह गुनूदगी नींद की नहीं है, अगर आंख लगी तो यहां मैं मर जाऊंगा। कहा ना कहीं ना कहीं अपनी नस्लों के जहनों में इमामत के नजरिए को मजबूत करोगे तो ये बच जाएंगे। कहते अचानक किसी मजलिस में किसी मौलाना का जुमला सुना था कि शियो हम वो हैं जिनका इमाम जिंदा है। तो कहते मैंने तीन मरतबा जबां से जुमला का या साहिब जमान अदरक नहीं, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। कह जब ये कह रहा था तो शायद हमारे बरादर ये सवाल करें कि इसने या अल्लाह मदद क्यों नहीं बोला। कहता मैंने ये नहीं बोला ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने कहा या साहिब जमान अदरक नहीं। खुद ही कहता है, कहता मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अल्लाह से मदद मांगू। किस बात पे? कहता एक तो मैं नमाज का पाबंद नहीं था, दूसरा ये मेरे अंदर एक गुनाह है कबीरा की बीमारी थी। तो अल्लाह भी तो बोलेगा ना, अब जब मुश्किल में आए हो तो अभी मेरा नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा इमाम जमाना की आबरू है अल्लाह के दरबार में, तो इमाम से तवस्सुल किया कि मौला मैं बहुत गुनहगार हूं, आपसे तवस्सुल कर रहा हूं कि अल्लाह के दरबार में वसीला बन जाए ताकि मेरे ऊपर कोई रहमत आ जाए। और मैंने वादा किया कि आज के बाद नमाज की पाबंदी करूंगा और वो गुनाह जो मैं मिंबर से बता नहीं सकता, जो बहुत कभी गुनाह की आदत थी इसे, उस गुनाह को मैं क्या करूंगा, तर्क कर दूंगा। कहते ऐसे ही अपने ख्यालों में सोच रहा था क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा क्या होगा, छोटी बच्ची थी मेरी उसका क्या होगा। इंसान जब मौत को देखता है तो यही ख्याल उसके जहन में आते हैं। कहते इतने मैंने देखा उस शदीद बर्फबारी में एक शख्स आ रहा है और हाथ में पाना है। कहता मैंने ये समझा कि आगे किसी की गाड़ी खराब हुई है और वो मदद मांगने के लिए आ रहा है। तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने कहा जी आप यहां पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप क्यों खड़े? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कहा ठीक है मैं आपकी गाड़ी को देखता हूं। मैंने कहा मैं खुद मैकेनिक हूं, सब कुछ देख लिया। कहा नहीं हम भी थोड़ा देख लेते हैं, जब मैं कहूं तो स्टार्ट लगाना। कहते वल्ला मैंने नोट किया कि जब उसने इंजन के ऊपर सिर्फ उसने अपने हाथ रखे, यहां तक कि उसने कोई पाना वाना भी नहीं लगाया, नहीं सिर्फ उसने हाथ रखे और मुझे कहा कि क्या करो स्टार्ट करो। कहते यहां मैंने स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। वो पलट के वापस आए लेकिन मैंने कहा कि देखिए ये गाड़ी पहले भी स्टार्ट थी बंद हो गई, इसके स्टार्ट होने का फायदा क्या, ये फिर 10 किलोमीटर आगे जाऊंगा फिर बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं अब बंद नहीं होगी, ये तुझे अपने मकसद तक पहुंचा कर रहेगी ये गाड़ी। मैंने कहा आपको कैसे यकीन था? मैं कह रहा हूं ना अब ये तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी, मकसद पे जाएगी। तो मैंने कहा कि ए बुजुर्गवार आप इतनी सर्दी में खड़े हैं, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक पहुंचाऊं। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है। कहा आपकी गाड़ी खराब है जरा उसको टचिंग करके यहां से ले जाते हैं। कहा उसकी भी जरूरत नहीं। कहा मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं? कहा हमें किसी खिदमत की जरूरत नहीं। कहा उस वक्त मेरे जेब में पैसे बहुत थे, ड्राइवर था। मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए जो मेरे जेब में मैं आपको दूंगा, मैं बगैर शुक्रिया कि आपको कैसे जाने दूं, आपने मेरी जान बचाई, इतनी सर्दी में अगर कोई ना होता मैं मर जाता। कहा नहीं हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने कहा कुछ तो करूं मैं आपके लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपने जान बचाई है मेरी। कहा कुछ नहीं, बस जो दो वादे किए हैं ना मुझसे उन वादों पर अमल करो। कहा बस ये कहना था वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी से उतरा, कभी इधर दौड़ूं कभी उधर दौड़ूं, कभी गाड़ी के पीछे जाऊं
लेकिन मुझे नजर नहीं आते। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट की, वहां से लेकर घर तक मेरे आंसू नहीं रुके कि मैं कितना बदबख्त था, मेरा इमाम जमाना खड़ा था लेकिन मैंने अपने इमाम जमाना को पहचाना नहीं। कहता देर रात को घर पहुंचा, अपने बच्चों को सुफरे पे बिठाया, बीवी को सुफरे पे बिठाया और मैंने कहा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरे बच्चों, आज के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका मैं बदलने वाला हूं। आज के बाद नमाज वक्त पे पढ़ेंगे। ज़ौजा को कहा देख आज के बाद अपने हिजाब में सुस्ती न करना। बच्चों को समझाया कि बच्चों ये करना। कब मेरी बीवी इतनी खुश हुई, कहने लगी कि मैं तो कब से चाहती थी तू दीनदार बने लेकिन तू दीनदार नहीं बनता था, लेकिन ये बता तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई। इसने वाकया सुनाया कि इमाम जमाना मुझे नजर आए थे, मौला ने मेरी जान को बचाया। कहता जब ड्राइवरों के बीच में गया या अजान का वक्त हुआ, सारे ड्राइवर चले गए खाना खाने, मुझे कहा तू भी चल खाना खा। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा बाद में खाना खाऊंगा। ताज्जुब करने लगे, आज तू बड़ा मुत्तकी बन रहा है, आज तू बड़ा परहेजगार बन रहा है। ताने देने लगे, इतने दिन तू क्या करता था आज कैसे बन गया। कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये फर्जंद जहरा का कमाल है। तो कभी कभी इस तरह से जिनके अकीदे बातिन में मजबूत होते हैं, अहले बैत ज्यादा अकीदों को मजबूत कराने के लिए अपनी ज्यारतें करवाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक आप मुआशरे में एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनोगे, नेटवर्क का मतलब यह है कि जब तक कौम सिविलाइज्ड नहीं होती। सिविलाइज्ड का मतलब क्या, जिनका अमल एक जैसा हो, जिनका कौल जिनका फेल एक जैसा हो। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है या इसने कोई लॉकेट पहना है या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते मैं शिया हूं। का नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे अली का शिया है। ये उलगू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए। जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नुहखानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोस आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं, ईरानियों के डालते हैं या इराकियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं, ईरानियों के होते हैं। हमारा क्यों नहीं डालते? आपका सबसे बड़ा नूह खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नूहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और जब्त के साथ करते हैं। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सका कि बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नुहा पड़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नुहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नुहे खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को ऐसा। हमारे सारे नुहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, मामबारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हुए, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नुहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सका। अगर कोई नुए खान नुए खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब आप में नज्म होता है तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहा है और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूह खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश, लाखों का मजमा, यानी जब आवाज रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल। कौम कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है, सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के जमाने की कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला, आयतुल्ला बशीर के जमाने में, आगे नक्कन के जमाने में, पिछले उलमा आप पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस जमाने में लोग ये पूछते थे कि फला अशरे का टॉपिक क्या है, फला खतीब क्या पढ़ रहा है, फला खतीब क्या पढ़ रहा है।
लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का माहौल आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी है, प्रोटोकॉल कितना है। मैं यार इल्म होना चाहिए क्या आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में जब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशाले राह बनती हैं। वाकया आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, एक नोए खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहां तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहां तीन तरह के मातम है, स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूए खान एक जुमला बोलता है पूरे मजमे को, वो जुमला क्या होता है याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज अल्लाहुम्म कुल्ले वली कल हुज्जत इब्ने हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्म कुल्ले वली कहां सीखी, मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तभी फरमाया सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है वो सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है। क्योंकि मशहूर है लोग इसको कॉपी करते हैं। अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा लोगों में बुराई फैलाई जाएगी, अगर ये अच्छा काम करेगा लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमे आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा, इन्हीं मशहूर लोगों का होगा। क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, वो बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नुखुदकी बहुत मशहूर आलम दीन कहते हैं, एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द ने किबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलम थे। आगाए नुखुदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू पे, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगाए नुखुदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी, फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है, इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़ाएं। यहां लोग मजमो के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए। कमे नहीं आऊंगा, मिन्नत तमन्ना मौलाना आइए, कमे नहीं आऊंगा। शागिर्द को भेजा, नमाज जुमा हो गई, शाम को सारे मिलके मौलाना कि हमसे नाराज हैं, क्यों नमाज ईद नहीं पढ़ाई। का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब? का जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यह सारा मजमा मेरे लिए आया है। कोई खतीब मजमे को देखे और पहला ख्याल है मेरे लिए आया है, हुसैन के लिए नहीं आया है। सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे, नफ्स को इतना मजबूत कर लोगे, ये तकबूर उजब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखुदकी। कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं का मौला मेरी हाजत इमाम फरमाते हैं, नुखुदकी के काबर पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मर्जा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर, कहे लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है।
कि तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है, कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास आलमदार इमाम हुसैन की करते हैं कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे तो एक जुमला कहा कि ऐ फौज अश्किया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन बाजू काटना चाह रही हूं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम व सलात व ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात का, किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काट दो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा? कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। का जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीजा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क को ना लगे, बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना। पानी कभी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? कब पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहे ना 10 मिनट यहां बैठो ये दीन है। मौला कहे आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मांग रहे हैं और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खेमों तक चला जाए। इताअत कितनी, कहते हैं 2 मुहर्रम को फौज अश्किया ने कहा कि खेमों को हटाया जाए नहर से। कहते हैं जैसे ऑर्डर आया गाजी अब्बास से सालार थे, हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लाइन खींची और फरमाया अगर किसी में जुर्रत है जब तक मैं जिंदा हूं इस लाइन को पार करके दिखाए। लिखने वाले लिखते हैं चेहरे पे इतना जलाल के खून जमा पड़ा है अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को पलटा हुआ है और तलवार हाथ में ली हुई है कि हे किसी में जरूरत के आगे आए। सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ है? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जरूरत है कि आगे आकर दिखा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जरूरत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आपकी ये मर्जी है खेमे हटा दिए जाए जाके अब्बास को बोल दीजिए। आज तक हुआ कि आप कुछ चाहें और अब्बास न करे। मुती अल मौला ज़्यारत मुती अल अम्र मौला, अपने मौला के अम्र की ऐसी इताअत की कि मिसाल बने आज करबला जाओ तो 2 रोजे नजर आते हैं, दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों को रोजे हैं। का मेरी ज़्यारत से पहले अब्बास की ज़्यारत किया करो। तो कहा कि हुसैन आप कह दीजिए अब्बास ने आज तक आपको रोका तो नहीं है। सैयदा फरमाती इमाम हुसैन बैठ गए। फरमाया बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे मेरे अब्बास को इतना जलाल था, तलवार निकाली कि बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं करबला। का चुप हो गया मेरा गाजी। का ज़ैनब
जब बेयत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तोहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका, मैंने कहा बस अभी नहीं करबला का। ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था, लजाने फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं करबला का। ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना। इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है, कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि माँ को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूँ। इमाम हुसैन चले गए, बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिज़ा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी अब्बास को पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ। और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे हैं, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पोंछा, थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाल है वो बैठ जाए। बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है, इतना अदब अब्बास के वजूद में। ये चाहते हैं इमाम ज़माना हमसे, इतनी इताअत अब्बास में, बहना है लेकिन इताअत देखिए। कपड़े धीमे लहजे में वहां जलाल में बात कर रहे थे, पसीना पोंछा, आस्तीनों को सीधा किया और कहा कि आकाजादी आपने मुझे बुलाया। बीबी ज़ैनब ने कहा बस अंदर आओ। कहते जानुए अदब लगा के सैयदा के सामने बैठे, जी मेरी आकाजादी। कहा बस दुश्मन ने ललकारा है। कहा जी आकाजादी मैंने खत खींच दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत अब्बास के होते हुए खेमों पे हमला करे, जब तक मैं जिंदा किसकी जरूरत हुसैन पे आंच भी आए। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। अब्बास बहन कुर्बान जाए तुझ पे। अब्बास देखो मैं जानती हूं तुझे बड़ा जलाल है लेकिन देखो हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा लिए जाएं। अब्बास तेरा गुरगुर है, अब्बास तूने खत खींची है, मैं ये नहीं कहती कि तू जा खत मिटा, नहीं तू खेमे में बैठ, मैं अकबर को भेज देती हूं, मैं औना मोहम्मद को भेजती हूं, मैं कासिम को भेजती हूं, वो जाके खत मिटाएंगे, खेमे हटाएंगे, तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्या अब्बास ने ललकारा था, कहीं शर्मिंदगी हो क्या आकाजादी, मैंने तो चैलेंज किया है। क्या तू बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूं। फिजा कहती है मंजर देखकर मैं रो पड़ी कि गाजी फौरन खड़े हुए, कहने लगे आकाजादी अब्बास का गुरूर क्या होता है, अब्बास की मर्जी क्या होती है, औना मोहम्मद क्यों जाएंगे, अकबर क्यों जाएगा, अगर मेरा हुसैन चाहता है अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। फिजा कहती है खुद गए, दुश्मन देख रहा था, हाथों से खत को मिटाया, खेमों को हटाया, कहने लगे मेरे हुसैन की मर्जी है कि खेमे हटा लिए जाए।
یہ واقعہ نہیں ہے یہ عبرت ہے۔ جب کوئی اس طرح ہو اطاعت حسین میں، پھر ان کی شہادت پہ حسین کہتے ہیں الان قدن کسر زہری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عربی میں رونے کے لیے الگ الگ عبارتیں ہیں۔ راوی کہتا ہے جب اکبر کے لاشے پہ آئے تو بکل حسین، حسین بہت روئے۔ قاسم کے لاشے پہ آئے بکل حسین، یعنی یہ وہ لاشے ہیں جن پہ دشمن نے حسین کا رونا سنا، اتنی بلند بلند آواز میں روئے کہ قاسم کے لاشے اٹھا رہے تھے بہت روئے، اکبر کے لاشے پہ آئے بہت روئے، جون وہ شہید ہے جس کے لاشے پہ حسین بہت روئے۔ لیکن ایک مقام ہے جہاں یہ نہیں کہا کہ حسین روئے، کہا جب عباس کے لاشے پر آئے تو کہا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کیا۔ کہتے جب چیخنا شروع کیا نا تو فوج اشکیا میں ہل ہلا ہوا، فوج نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اب ہم نے حسین کو ہرا دیا۔ اس پر رو کے کہنے لگے عباس اٹھو، یہ تیرے حسین پہ ہنس رہے ہیں۔ کیا گزری میرے آقا حسین پہ۔ یہ رات باب الحوائج کی رات ہے، یہ رات عباس علمدار کی رات ہے۔ واقعات اتنے ہیں میرے پاس غازی عباس کے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ معجزات ہیں عباس علمدار کے، وقت ملا تو کل شاید ایک دو بیان بھی کر دوں۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں شہید کربلا پہ، سلام کریں مظلومیت حسین پہ۔ کہ راوی کہتا ہے جب حسن کے جنازے سے تیر نکال رہے تھے نا، بھائی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی کے بدن سے تیر نکالے، کہتے حسین بہت روئے۔ اور کہتے ہیں پھر یہی حسین تھا جو حسن کے بچے کے بدن کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے، پھر یہی حسین تھے جو عباس جیسے بھائی کے بازو پھر اٹھا رہے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا صدا دے کر کہنے لگے این این اخی عباس، این علی اکبر، این حبیب ابن مظاہر، جب تک وہ تنہا رہ گئے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، خلوص دل سے سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین۔ بلند آواز سے السلام علی، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے، السلام علی علی ابن علی اولاد
حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو بازوؤں کو اٹھایا بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے خدا آپ کو عباس کی زری دکھلائے حرم کے کچھ خادم آیت اللہ کشمیری کے پاس گئے کہنے لگے قبلہ کچھ مزدوروں کا بندوبست کریں کیونکہ غازی عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے آغائے کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خدا ہوں گا یہ مر جائے تقلید سرداب عباس میں گئے جہاں اصل قبر موجود ہے سر سے امامہ اتارا اپنے پاؤں سے جرابیں اتاری طلباء کے ساتھ مل کے قبر عباس کو بنانے لگے کسی طالب علم نے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ہم نے سنا ہے ممبروں سے کہ عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پہ لگتے تھے کہ یہ بتائیے جس کا قد اتنا بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنی کیوں ہے آغائے کشمیری زار و قطار رونے لگے کہنے لگے تو نے کبھی سوچا حبیب حسین کے ساتھ اکبر حسین کے ساتھ عباس نہر فرات کے کنارے کیا کر رہے کا چوتھے امام جب جنازہ اٹھانے گئے اربان اربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے ابا کے دامن میں جمع کیا ننی سی قبر کھو دی میں قربان عباس کی مظلومیت میں اس مجمع میں جتنے بھائی ہیں خدا ان کے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے شام کے بازار میں جب ام حبیبہ کی نگاہ کٹی ہوئی گردنوں پہ پڑی کہتی ہے میں نے ایک گردن دیکھی جو گھوڑے کی گردن سے بندھے تھے روکے کا بی بی زینب یہ کس کا سر ہے
सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर, बीबी सब सरनों के नजा पे, ये घोड़े की गर्दन में क्यों है, का ये भी नौ के नजा पे था, लेकिन जब निगाह मेरे खुले सर पे पड़े, ये बार बार जमीन पे गिर जाता था। मैं कुर्बान गैरत अब्बास पे, मौला हुसैन की खिदमत में आए मौला, अब मुझसे सकीना करो ना देखा नहीं जाता। मौला छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए, चचा हमें प्यास लगी है, चचा थोड़ा पानी पिला दे। मौला कद साक सदरे, मेरे सीने में बड़ी घुटन है, बड़ी मजलूमियत से मामले का बास, तू मेरे लश्कर का सिपह सालार, सर झुकाया, कहा मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे पानी लो। फरमाया अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दे मैं भी नहीं रोकूंगा। सीधा गए सैयदा ज़ैनब के खेमे में, आकाजत मांगने आया हूं। उसी तरह ज़ानवे अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने कहा अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा, जी मेरी आकाजादे। अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थी, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था, बाबा ने कहा हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लो ना। अली ये मजमा तेरी गैरत को कुर्बान। अब्बास रात हो गए, खुद मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी चंद कदम ऊंट चला था, बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे पर्दा हटाया, कहने लगे ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार है। अल्लाह जाने अब्बास ने सुन कैसे लिया। अब्बास में सोच रहे थे बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं, फिर सवारी आगे बढ़े, फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफियों के घर है। मैं सोचने लगी बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं, फिर सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना, मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का चौक। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए, बाबा बेटी और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरी कलाइयों का बोसा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोसा लेने लगे, रोके का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर नहीं होगे।
अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, एक जुमला कहा बाबा इमाम हो, इल्मे गैब जानते हो, लेकिन बाबा ये बताइए जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता, बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया। ज़ैनब ने कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहे अब्बास के गले में डाले, रोकेगा खुदा हाफिज अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रसिया, मेरे सर से रिदा, ओ मेरे लुटने का वक्त करीब। मातम हुसैन